देश भर में जहां दिवाली की धूम देखने को मिल रही है, वहीं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर का एक ऐसा गांव भी है जहां यह दिन लोगों के लिए आम दिनों की तरह ही रहता है। हमीरपुर जिले का सम्मुख गांव कई साल से दिवाली नहीं मना रहा है। इस दिन घर पर पकवान तक नहीं बनाए जाते। लोगों का मानना है कि गाँव को श्राप है, इसलिए यहाँ दिवाली पर जश्न नहीं मनाया जाता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो यहाँ आपदा आती है या फिर अकाल मृत्यु हो जाती है। इस बार भी हमीरपुर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित सम्मू गांव में दिवाली को लेकर कोई रौनक नहीं देखने को मिली। यह कि यहां पर एक ऐसी घटना घटी थी, हमारे गांव का एक आदमी फौज में थे और फौज में वो उनकी डेथ हो गई और उनका सामान लेकर उनके साथी आ रहे थे और उनकी जो पत्नी है और लड़का है वो अपने मेके जा रही थी दिवाली मनाने के लिए। तो रास्ते में उन दोनों की मुलाकात हो गई, तो आपस में उनका वार्तालाप हुआ तो पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो दोनों ने बताया भाई मैं तो मेके जा रही हूँ मेरे त्यौहार के मनाने, दिवाली त्यौहार को मनाने के लिए। और उन्होंने बोला तो हम सम्मू गाँव में जा रहे हैं कि फलाना नाम का आदमी है, उसकी डेथ हो गई, उसका ये सामान है फौज में तो उसके घर में छोड़ना है। तो उस औरत ने बोला कि ये तो मेरा पति है, तो वो सामान के साथ और अपने लड़के को साथ लेकर वो उसने वहाँ पर आग लगाई और वो सती हो गई। और वो मरते मरते वो बताते हैं कि श्राप दे गई है कि अगर 7 पीढ़ी तक अगर कोई त्यौहार को मनाएगा, दिवाली त्यौहार को मनाएगा, तो उनके अंदर कोई या तो बीमारी फैल जाएगी या कोई आग जाने की घटना हो सकती है। यहाँ पे जो है मतलब मेरी जो शादी को टाइम हुआ है वो 16 साल हो गए हैं और इसमें 16 साल में मुझे नहीं लगता है कि आज तक हमने मतलब दीपावली का जो त्यौहार है वो हमने मनाया। लेकिन मनाने की बात ऐसी है ना सर कि जो पटाखे दीपक और जो भी मार्केट से जो भी चीज़ें मतलब हम लेके आते हैं या जो भी है वो हम पूरा जैसे रंगोली वगैरह बनाते हैं, पटाखे करते हैं और उसके बाद पूजा पाठ करते हैं वो तो हम कर लेते हैं। लेकिन जो पकवान जैसे बुजुर्ग हमारे बोलते हैं कि जैसे ही मतलब हम पकवान बनाने जाते हैं तो कहीं भी मतलब किसी ने अगर पकवान किसी भी घर में पकाया तो कहीं ना कहीं मतलब जैसे आग लग जाती है। तो ये जो इफ़ेक्ट है मतलब इसका तो मेरे सामने दिख गया था। मतलब 16 साल में यहाँ पे 2-3 साल पहले किसी मतलब दूसरी जगह पे वो गए हैं तो उन्होंने कहा कि मतलब चलो मतलब एक्सपीरियंस ही कर लेते हैं कि जैसे मतलब बोलते हैं बुजुर्ग तो क्या ये सही बात है कि नहीं है। तो उन्होंने भी मतलब ऐसा किया कि अपने जैसे हम पकवान बनाते हैं वो उन्होंने बनाना जो है वो शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने पकवान बनाया तो उनके जैसे मतलब हम गौशाला बोलते हैं वहाँ पे मतलब एकदम अचानक जो थी वहाँ पे आग लग गई और जो उनका जो गौशाला थी वो एकदम मतलब उसके ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाए। गांव वाले जो थे वो काफ़ी इकट्ठे भी हुए, वहाँ पे पानी पूनी वगैरह देके गए लेकिन उस आग के ऊपर काबू नहीं पा सके और उनका जो था वो काफ़ी मतलब वहाँ पे